प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज किसानों को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं और थोड़ी ही देर में पीएम मोदी दिल्ली में बीज की 109 किस्में जारी करेंगे। बताया गया है कि फसलों के उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने में इन बीजों से काफी मदद मिलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान समय में ऐसे बीज की जरूरत है जो जलवायु के अनुकूल हों, जिनमें कीटनाशकों का प्रयोग कम हो, साथ ही उचित पैदावार दे सके। आईसीआर के खेतों में जाएंगे प्रधानमंत्री जी और अलग अलग तीन स्थानों पर, एक जगह बागवानी और दो जगह फसलों की, बीजों की किस्मों को रिलीज करके किसानों के लिए समर्पित करेंगे। लैब टू लैंड, विज्ञान सीधे किसान तक पहुंचे, रिसर्च का पूरा फायदा किसान तक पहुंच जाए और वैज्ञानिक किसान, कृषि विभाग सब एक जगह हो, ये प्रयत्न किया गया है। और अब खबर टीकमगढ़ से, जहां कोर्ट परिसर में मारपीट हुई है। महिला और परिजनों के साथ मारपीट हुई है। पति सहित तीन वकीलों पर आरोप लगा है। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज हो चुका है। देहात थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से हाथी महोत्सव की आज से शुरुआत हो गई है। 6 दिन तक चलने वाले महोत्सव में पेंच टाइगर रिजर्व के 10 हाथियों को दावत दी जाएगी। रोजाना हाथियों को नहलाकर नीम के तेल से मालिश की जाएगी और स्वास्थ्य परीक्षण के बाद भोजन कराया जाएगा। इस दौरान कर्नाटक से लाए गए 5 हाथियों को पेंच के हाथियों के साथ ही रखा जाएगा। तो ये इन हाथियों के मस्ती के एक हफ्ते हैं और इस बार मध्य प्रदेश में सबसे पहले पेंच ने अभी शुरू किया है। आने वाले दिनों में हमारे जो दूसरे टाइगर रिजर्व है वो भी इसको आयोजित करेंगे और हाथियों की मालिश होती है, उन्हें नहलाया जाता है, उन्हें उनका इलाज भी होता है, उनका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट इस समय चेकअप्स होते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है उन्हें, और यदि बीमारी है तो उसका उपचार करना है। तो ये तो सभी पर पेंच में जो इस बार एक नई चीज़ हो रही है कि दो परिवारों का भी मिलन है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में हाथी महोत्सव की शुरुआत हो गई है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व से इस महोत्सव का आगाज किया गया है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में 10 हाथी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इस महोत्सव में सभी हाथियों को विशेष कैंप आयोजित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, साथ ही उनको तरह तरह की सेवाएं भी मुहैया कराई जाएंगी। लगातार इस महोत्सव का सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी कई नई चीजें इस महोत्सव में जोड़ी गई हैं और हाथियों को उनके महावतों के साथ कई नए तरह के इंतजाम। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 के साथ।